तो हेलो दोस्तों, आज हम डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एंड ये मूवी आपको पसंद ज़रूर आएगी। सो लेट एक्सप्लेन दी मूवी। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम नेपाल के काठमांडू में स्थित कामाताज को देखते हैं। यहाँ मेन विलन को देखते हैं जिसका नाम कैसिलियस होता है एंड वो अपने कुछ साथियों के साथ कामाताज के पुस्तकालय में आया होता है एक इम्पॉर्टेंट बुक के कुछ पेज को चुराने। बट उस विद्यालय की गुरु माँ आ जाती हैं एंड कैसिले से लड़ना शुरू कर देती हैं। गुरु माँ कामाताज की स्कूल की हेडमास्टर होती हैं एंड उनका काम था कि अपने विद्यार्थियों को जादुओं की कला सिखाना। लेकिन जब वह इस बात का खतरा पाती हैं कि कैसिले सुनपन्नों को चुरा कर दुनिया को तबाह करना चाहता है तो उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करती हैं एंड वह उसके पूरी टीम को कांच के आयाम में ले जाकर उनसे फाइट करती हैं। उस कांच की दुनिया में अगर कोई भी नुकसान होता है तो असल दुनिया में उसका कोई असर नहीं होगा एंड इसी का फायदा उठाकर वहाँ पर गुरु माँ कैसिलियस उसके टीम के साथ लड़ती हैं एंड उन्हें वहाँ से भगा देती हैं। फिर वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है न्यूयॉर्क में और यहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो इस मूवी के हीरो हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एक न्यूरोसर्जन होते हैं एंड फिर हम देखते हैं कि वह रेडी होकर एक पार्टी में जा रहे होते हैं। वो अपनी कार से जा रहे होते हैं कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है एंड उन्हें काफ़ी चोटें आती हैं एंड उनके हाथों के हड्डियों का चूरमा बन जाता है। इनके एक्सीडेंट का पता जब उनके दोस्त एंड उनके हॉस्पिटल वालों को पता चलता है तो उन्हें अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। जब उन्हें होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके हाथों की हड्डियों टूट चुकी हैं एंड फ्यूचर में अब एक भी सर्जरी नहीं कर पाएंगे। फिर वो अपने को डॉक्टर से बोलते हैं कि तुमने मेरे हाथों में रॉड डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो टीसी रिबिल्ड करने का ट्रीटमेंट देता एंड अब मुझे रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ हम डॉक्टर स्ट्रेंज के एक खास फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम क्रिस्टीन होता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है एंड उनके हाथों की हड्डियों एंड मांसपेशियों को रिकवर करने में उनकी हेल्प करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते हैं कि क्या आप मेरी ही तरह कोई दूसरा पेशेंट देखा है जो मेरे ही कंडीशन से गुजरा हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है हाँ, एंड उसका नाम जोनाथन था एंड वो एक एक्सीडेंट से उसके पैर की सारी हड्डियाँ चकनाचूर हो गई थी। मैंने उसे बहुत ट्रीटमेंट दिया बट उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ एंड वो शहर से गायब सा हो गया। मुझे लगा कि वो शायद मर गया हो बट कुछ टाइम बाद मैंने उसे देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने पैरों पर खड़ा था। फिर मैंने जब उससे इसके बारे में पूछा तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। बट तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना डेंजरस एक्सीडेंट होने के बाद कोई अपने पैरों पर खड़ा हो ही नहीं सकता। बट वो फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है मैं तुमको उसकी फाइल दूंगा एंड फिर तुम खुद देख लेना। एंड फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी फाइल देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को बिलीव हो जाता है सच में उसके पैरों का बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था। एंड फिर डॉक्टर स्ट्रेंज सोचते हैं अगर वो ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर वो इस बात का पता लगाने जोनाथन के पास जाते हैं एंड उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अपने पैरों पर खड़ा है। फिर जोनाथन से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। फिर जोनाथन बताता है कि मैंने अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया एंड वो सिर्फ एक ही जगह पर कर पाया जिसका नाम कामाताज है। अगर तुम्हें भी अपना इलाज चाहिए तो तुम्हें वहीं जाना चाहिए। एंड फिर डॉक्टर स्ट्रेंज निकल जाते हैं नेपाल के कामाताज की तलाश में। काफ़ी दिनों के बाद उन्हें एक मोडो नाम का आदमी मिलता है एंड उन्हें वो अपने एक खुफिया जगह पर ले जाता है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात गुरु माँ से होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि यहां पर कोई क्लास होती होगी जिसमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा होगा कि हाथों एंड शरीरों को रिबिल्ड कैसे करें एंड नए जैसा कैसे बना सकें। लेकिन तब डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि ये आध्यात्मिक की क्लासेस हैं एंड ये एक आध्यात्मिक विद्यालय है जिसे गुरु माँ संचालित करती हैं। एंड फिर वह गुरु माँ को बहुत बुरा भला कहता है एंड बोलता है कि मैं इतनी दूर से इस आध्यात्मिक क्लासेस को ज्वाइन करने आया हूँ और मुझे कुछ किताबी ज्ञानों से अपना पूरा शरीर ठीक करने को बताया जाएगा, इसलिए मैं अभी के अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर गुरु माँ अपनी शक्तियों से उसे पंच करती हैं जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा उसके बॉडी से बाहर निकल जाती है। एंड जब उसकी आत्मा उसकी बॉडी में आ जाती है तो गुरु माँ से पूछता है कि आपने कैसे किया।
फिर गुरु माँ उसे सभी डायमेंशन की सैर करा देती हैं एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि हमारी ये दुनिया कुछ भी नहीं है, हमारी दुनिया के अलावा ब्रह्मांड में बहुत सारी दुनिया है जो कि यहाँ मौजूद हैं और इसके बारे में लोगों को नहीं पता। डॉक्टर स्ट्रेंज को फिर से अपनी गलती का एहसास होता है एंड वो गिड़गिड़ाने लगता है कि क्या आप मुझे यह कला सिखा सकती हैं, लेकिन गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को कामातार से बाहर निकलने के लिए कह देती हैं एंड हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज कामाताज के बाहर ही बैठा होता है। फिर मोर्डो गुरु माँ से बोलता है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे ही एक काबिल योद्धा चाहिए जो हमें काली शक्तियों से बचा सकता है। फिर गुरु माँ मोर्डो से कहती हैं कि मैंने पहले भी अपने एक खास विद्यार्थी को खोया है जिसका नाम कैसिलियस होता है, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हम उसे देखते हैं। गुरु माँ बताती हैं कैसिलियस भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मुझसे शक्तियाँ सीखने आया था, बट अब वो एक बुरा इंसान बन गया है, इसलिए गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को शक्तियाँ सिखाने से मना कर देती हैं। बट मोर्डो उनसे रिक्वेस्ट करता है एंड फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को कामाताज में एंट्री मिल जाती है। यहाँ हम कामाताज में देखते हैं कि यहाँ और भी टीचर हैं और सबके पास अलग अलग शक्तियाँ हैं और वो बॉडी के हर टिश्यू को रिवील करने को सिखाते हैं एंड उससे अपने मन पर इस तरह कंट्रोल करना सिखाते हैं कि हमें सामने वाली चीज़ों पर अपना काबू आ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत सारी नई नई बातें सीखता है। हमें पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक न्यूरो सर्जन है तो इसलिए उसे किताबी गानों का काफ़ी शौक होता है एंड वहीं पर मौजूद एक लाइब्रेरी से डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ की किताबों को पढ़कर अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। एंड फिर गुरु माँ को लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी ज़्यादा होनहार है। फिर हम इस मूवी के एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ओंग है एंड वो इस लाइब्रेरी को प्रोटेक्ट करता है। फिर ओंग डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसी किताब देता है जिसमें अपने आत्मा को शरीर से बाहर करने का मंत्र होता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को इसमें अब और रुचि होने लगती है और वो किताबों को पढ़ने के लिए प्रतिबंधित खंड में चला जाता है जहाँ पर न्यू लेवल क्लास को जाना मना था। फिर वहाँ पर ओंग आ जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि यह प्रतिबंधित खंड है और इसके अंदर कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि गुरु माँ की हैं और उसे किसी को पढ़ने की इजाज़त नहीं है। फिर वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को एक नई बात पता चलती है, उसके सामने तीन द्वार दिखता है और फिर मोर्डो एंड ओंग उसे बताते हैं कि तीनों द्वार पवित्र स्थल तक जाने का मार्ग है जो कि एक लंदन में, एक न्यूयॉर्क में एंड एक हांगकॉन्ग में स्थित है। इन पवित्र स्थल का काम है कि बाहरी हमलों से इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना, मतलब कि अगर कोई एलियन या कोई बुरी शक्ति हमारी दुनिया पर अटैक करेगी तो ये उससे हमारी रक्षा करता है। एंड अब डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर और भी कुछ सीखने की क्यूरियोसिटी जागने लगती है एंड एक दिन वो प्रतिबंधित खंड में जाकर गुरु माँ की वो पुस्तक ले लेता है एंड जब उस बुक को ओपन करता है तो उसे आई ऑफ एगोमोटो के बारे में पता चलता है जो कि टाइम स्टोन से रिलेटेड है। फिर जब डॉक्टर स्ट्रेंज उन बुक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि आई ऑफ एगोमोटो को जादुई रस्मों को पूरा करने की विधि वाले कुछ पेज गायब थे, लेकिन फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसी आई ऑफ एगोमोटो के यूज़ से वहाँ गायब हुई पेज को वापस लाता है एंड फिर वो उस पेज में दिए गए विधि को पढ़कर सबसे पहले उस सामने पड़े सेब पर उसका ट्राई करता है। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उससे सेब को एक बाइट खा लिए थे बट जब अपना हाथ घुमाते हैं तो सेब पूरा हो जाता है एंड जब अपना हाथ रिवर्स घुमाते हैं तो सेब पूरा गायब हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज सोचते हैं कि उन्हें इस पेज को अच्छे से पढ़ना होगा तभी वो टाइम स्टोन का अच्छे से यूज कर पाएंगे, बट डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करते हुए ओंग एंड मोर्डो देख लेते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुमने आखिरकार क्यों गुरु माँ की बुक को पढ़ने की कोशिश की। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ कैसिलियस की एंट्री होती है एंड हमें पता चलता है कि वो लंदन के पवित्र स्थल को नष्ट कर दिया है एंड अब वो न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल को नष्ट करना चाहता है। एंड इस बार से ओंग मोर्डो एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी बुरा लगता है एंड फिर उन सभी के बीच एक तगड़ी फाइट हो जाती है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज गलती से न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल पर पहुंच जाते हैं एंड वहां पर हम एक न्यूपन को देखते हैं जो कि एक उड़नछू चूंगा होता है एंड वो डॉक्टर स्ट्रेंज को चुनता है एंड फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस उड़नछू चूंगों की हेल्प से कैसिलियस को एक वीपन में बंद कर देते हैं। एंड फिर यहाँ पर कैसिलियस एक राज को बताता है, वह बोलता है कि गुरु माँ भी काली शक्तियों से, मतलब काली दुनिया से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इन्हीं बातों को सोचकर एकदम हक्का बक्का हो जाता है
एंड कैसिलियस इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। एंड फिर हम गुरु माँ को देखते हैं एंड फिर वो वही कांच का आयाम बना देती हैं और यहाँ पर हम कैसिलियस एंड गुरु माँ के बीच एक क्लासिकल फाइट देखने को मिलता है। बट कैसिलियस गुरु माँ पर अटैक कर देता है जिससे गुरु माँ काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती हैं एंड वो कैसिलियस वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को जब गुरु माँ के बारे में पता चलता है तो उन्हें अपने ही हॉस्पिटल में लाता है। जब सभी डॉक्टर उनका इलाज कर रहे होते हैं तो गुरु माँ अपनी आत्मा को बाहर निकाल लेती हैं एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जब ये देखता है तो वह भी अपनी आत्मा को बाहर निकाल लेता है। एंड फिर यहाँ गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती हैं कभी ना कभी ऐसा मोमेंट ज़रूर आएगा जब तुमको बुरी शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी और यही एक कारण था कि मैं इतने दिनों तक जिंदा रह पाई और इस दुनिया की रक्षा कर पाई और इसीलिए मैं डोरमामू से बुरी शक्तियाँ लेती थी। बट मेरा समय अब ख़त्म हो चुका है और आज से इस दुनिया की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे नाम भी एक सुरक्षा स्थल होगा। एंड फिर गुरु माँ अपना टाइम स्टोन जो आई या फेगोमोटो थी डॉक्टर स्ट्रेंज को देकर दूसरी दुनिया में चली जाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हांगकांग के पवित्र स्थल पर और यहाँ हम देखते हैं कैसिलियस पहले ही आकर उस पवित्र स्थल को नष्ट कर दिया था। अब जो कि तीनों पवित्र स्थल नष्ट हो चुका तो इसलिए कैसिलियस उस बुरी शक्ति डोरमामू को बुलाता है ताकि वो इस पृथ्वी को अपने अंदर समाहित कर ले और बदले में वो कैसिलियस को बुरी शक्तियाँ देने वाला था। एंड फिर डोरमामू इस दुनिया में इंटर करता है बट तभी डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहाँ पहुँच जाता है एंड फिर वो एक ऐसा चाल चलता है एंड पहुँच जाता है डोरमामू की दुनिया में। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा टाइम लूप क्रिएट करता है जिससे डोरमामू उसके जाल में फंस जाता है। वहाँ डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश करता है बट डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन था जिससे वो बार बार जिंदा हो जा रहा था एंड फिर डोरमामू इससे एडिटेड हो जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक सौदा करता है कि अगर तुम्हें इस टाइम लूप से निकलना है तो पृथ्वी को छोड़ देना होगा और कैसिलियस और उसकी टीम को अपने पास बुला लेना होगा। एंड फिर डोरमामू इस बात से एग्री हो जाता है एंड वो कैसिलियस और उसकी टीम के साथ पृथ्वी से चला जाता है एंड ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इसी का सेकेंड पार्ट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चाहिए देखिए। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।